सोलन में भाजपा के अभ्यास वर्ग का समापन हुआ। समापन समारोह में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर नाहन के विधायक राजीव बिंदल, खाद्य बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया, महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष रश्मिधर सूद भी विशेष रूप से उपस्थित रही। वहीं शिमला विधानसभा क्षेत्र से आए चुनिंदा नेताओं ने इस शिविर में भाग लिया। वक्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं को भाजपा की उपलब्धियों के बारे में अवगत करवाया और बताया कि वे प्रदेश की जनता के उत्थान के लिए क्या कार्य कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने कहा कि भाजपा इन्हीं नीतियों के आधार पर जीत हासिल कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने कहा कि प्रदेश भर में अभ्यास वर्ग आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें कार्यकर्ताओं को भाजपा की नीतियों से अवगत करवाया जा रहा है। उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक जानकारियां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अब यहां से प्रशिक्षित नेता मंडल स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। इस प्रशिक्षण से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है और उनके संशय भी दूर होते हैं। उन्होंने कहा कि यही प्रशिक्षण भाजपा की जीत की नींव है, इसलिए सभी कार्यकर्ता इसमें जोश के साथ भाग लेते हैं। और इसमें हर्ष का विषय ये है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से इस पार्लियामेंट्री के कार्यकर्ताओं ने आकर के जो है यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अब इसके बाद जो है वो मंडल स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे। प्रत्येक मंडल ने अपनी अपनी जो है वो डेट्स दी हैं, जिसमें 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जो हैं संपन्न होंगे। और इन 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविरों के दौरान कार्यकर्ताओं को जहां पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होना है उसी स्थान पर आकर के ठहरना भी है, तो ये भी एक आवश्यक चीज़ है। इसमें पार्टी के संगठन के विषयों के अतिरिक्त जो है हमारी सरकार की उपलब्धियाँ क्या रही हैं, केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां यानी अंत्योदय को लेकर के एक जो बहुत ज़बरदस्त प्रयास इस देश के अंदर जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे वो अटल जी के नेतृत्व में रही हो, अब उसका विराट स्वरूप जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जिस प्रकार से काम हुए हैं उसकी भी चर्चा जो है वो विस्तार से होती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं सरकार बनाती है तो उस सरकार को बनाने का जो उद्देश्य है वो है अंत्योदय, यानी विकास की दौड़ में सबसे पीछे खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसको भी आगे लेकर के आना और इस प्रकार से संपूर्ण समाज को जो है वो शक्ति संपन्न बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का उद्देश्य होता है और लक्ष्य होता है।